मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मई 2024 का मासिक राशिफल बताऊंगा और हर राशि के लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और हर राशि के लिए महीने की शुरुआत में 1 मई को सुबह सूर्योदय के समय के ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी यह भी मैं बताऊंगा। मैंने मई महीने के 12 राशियों के लिए 4 भाग बनाए हैं। पहले भाग में मेष वृषभ मिथुन, दूसरे भाग में कर्क सिंह कन्या और तीसरे भाग में तुला वृश्चिक धनु राशि बताऊंगा और चौथे अंतिम भाग में मकर कुंभ और मीन राशि बताऊंगा। यह मेरा पहला भाग है और दूसरा भाग मैं आपको कल पोस्ट करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो केवल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर आप केवल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस वीडियो की पहली मेष राशि के लिए 1 मई को सुबह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। मेष राशि 1 मई को सुबह सूर्योदय के समय में जो है मेष लगन में सूर्य गुरु और शुक्र की युति होगी, लेकिन दोपहर में 1:01 पर गुरु जो है मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो गुरु का गोचर दोपहर से वृषभ राशि में ही होगा। छठे रोग रण शत्रु स्थान में बुध की कन्या राशि में केतु का जो है गोचर हो रहा है। 10वें क्रम स्थान में शनि की मकर राशि में चंद्रमा का गोचर है। 11वें लाभ स्थान में कुंभ राशि में शनि का गोचर है और 12वें खर्च भाव में मंगल राहु और बुध की युति है। 14 मई को सूर्य शाम को 5:54 पर वृषभ राशि में जो है प्रवेश करेंगे और गुरु के साथ में युति भी करेंगे। बुध ग्रह 10 मई को शाम 6:44 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है 19 मई को सुबह 8:43 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार के गोचर को देखें तो यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा शानदार बीतने का पूरा अनुमान है। गुरु के धन स्थान में आने से आपके लिए आय के रास्ते तेजी से खुलेंगे और आपकी आमदनी में भी वृद्धि रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में शुभ मांगलिक काम आप करवा सकते हैं। सूर्य जब तक आपकी राशि में है तब तक आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी और जब गुरु के साथ में आएंगे 14 तारीख के बाद में तो एक प्रकार से राजयोग जैसा आपको फल प्रदान करेंगे। चहुमुखी सफलता मिलेगी। इस महीने में पारिवारिक माहौल उत्साह से भरा रहेगा। भाई बहन का साथ सहयोग मिलेगा, लेकिन केतु का छठे भाव में गोचर और केतु पर मंगल की दृष्टि आपके लिए बीच बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ या चिंता करवा सकती है। शनि की दृष्टि आपके लग्न स्थान पर है और फल और सूर्य के फल में मतलब थोड़ा सा कमी भी कर रही है। वैसे देखें तो वृषभ राशि में सूर्य के प्रवेश के बाद में आपको सूर्य का पूरा फल भी मिलेगा। 12वें खर्च भाव में 8वें मृत्यु स्थान और लग्न स्थान का स्वामी मंगल राहु के साथ में गोचर कर रहा है 12वें और अंगारक योग बना हुआ है, इसलिए इस महीने में आपके खर्च पर आपका जो है थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो जो लाभ आपको मिला है वह भी आपके हाथ से निकल जाएगा और पैसे भी जो आपने जमा किए थे वह भी खर्चे हो जाएंगे। वैसे जो भी खर्च होगा परिवार पर होगा, शुभ मांगलिक कामों में होगा और परोपकार के कामों में आपका शुभ खर्च इस महीने में होगा। आपका स्वास्थ्य थोड़ा मिला जुला रहेगा। संतान का सुख जो है आपके लिए भरपूर है। जिनके संतान नहीं है उनको भी संतान का सुख मिलने के योग है। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ में 14 मई के बाद में और जो है आपका रिश्ता पर मजबूत बनेगा। आपसी प्रेम और विश्वास पति पत्नी में दोनों में बढ़ेगा। इस महीने में अपना वाहन आदि सावधानी से चलाएं, नहीं तो कोई चिंताजनक घटना घटित हो सकती है। हालांकि इस पूरे महीने में भाग्य जो है आपका पूरा पूरा साथ देगा, यह आपको अनेक बार महसूस भी करवाएगा। धार्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। आप आस्थावान रहेंगे। पिता के साथ में जो है रिश्ता मजबूत बना रहेगा। व्यापार में उन्नति होगी। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। नौकरी में अब प्रमोशन मिलने के योग शुरू हो जाएंगे। इस महीने में आपको 2 कामों से बचना पड़ेगा। पहला काम तो है आपको विपरीत परिस्थितियों में गुस्सा नहीं करना है और दूसरा है पिता गुरु और बड़ों का सम्मान इस पूरे महीने में आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा खासा शुभ फल देकर समाप्त होगा।
मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। इस महीने में आप पशु पक्षियों और किसी धार्मिक स्थल पर पानी आदि की व्यवस्था करवाएं, जैसे कि पशु पक्षी के लिए माटी के बर्तन में या किसी बर्तन में पानी रख दिया, और कहीं धर्म स्थान है, धर्मशाला है, मंदिर है या कोई और स्थान है जहां पर आप ठंडे पानी का जो है मशीन लगवा सकते हैं, फ्रिज रखवा सकते हैं ठंडे पानी के लिए, या आप जो भी कर सकते हैं पानी के लिए करें। और इसके अलावा आप पूरे महीने में सूर्य मंत्र का जाप नियमित करें, ओम घणिम सूर्याय नमः, इस मंत्र की माला करते रहें। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए 1 मई को आपके लिए सुबह सूर्योदय के समय में पंचम संतान और शिक्षा स्थान में बुध की कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा है। 9वें भाग्य स्थान में शनि की मकर राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। 10वें कर्म स्थान में शनि का कुंभ राशि में गोचर चल रहा है। 11वें लाभ स्थान में गुरु की मीन राशि में मंगल राहु और बुध की युति चल रही है। 12वें खर्च भाव में मंगल की मेष राशि में गुरु सूर्य और शुक्र की युति है, लेकिन यहाँ गुरु जो है दोपहर में 1:01 पर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 मई को सूर्य शाम को 5:54 तक जो है आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु के साथ में युति भी करेंगे। बुध ग्रह 10 मई को शाम 6:44 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है 19 मई को सुबह 8:43 पर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार के गोचर से जो है मैंने अनुमान लगाया है कि गुरु का आपकी राशि में गोचर करना और सूर्य के साथ में युति करना आपके लिए इस महीने में सबसे बड़ी सफलता का संदेश है। गुरु आपके 8वें और 11वें स्थान के स्वामी हैं और अब आपकी राशि में आए हैं, तो आपके अंदर अपने आप अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन होगा, खास करके आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी अप्रोच में वृद्धि होगी, आपके पुराने रुके अटके काम बनेंगे, और विशेष करके जो है अगर आप देखें तो गुरु का जो शुभ फल या परिणाम होता है वह आपके व्यक्तित्व में भी अब दिखाई देने लगेगा और आपके पुराने रुके अटके काम बनेंगे, विशेष करके आपके कैरियर में अब जो है तेज़ी से उन्नति होना शुरू हो जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए प्रमोशन का रास्ता भी खुलेगा। अगर बेरोजगार है तो अच्छा और लाभ देने वाला रोजगार जो है आपको मिलेगा। सप्तम दृष्टि जीवन साथी स्थान पर और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी, इसलिए इस महीने में आपको मनचाही सफलता भी मिलेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि भी संतान स्थान पर रहेगी तो व्यापार से लाभ मिलेगा, लेकिन संतान और शिक्षा स्थान में आपको कभी कभी यह चिंता भी करवाएगा। नया काम शुरू करने से पहले आप सोचें और फिर करें। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा और पुराने झगड़े जो है पति पत्नी के बीच के अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भाइयों से आपको मदद मांगना है तो मांग सकते हैं। अगर आप अविवाहित है या परिवार में कोई अब अविवाहित है तो उनके लिए अच्छा रिश्ता, मनपसंद रिश्ता मिलने का योग बनेगा। किसी से अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम अब परवान चढ़ेगा, और अगर आपकी कुंडली में भी पंचम स्थान शुद्ध है या गुरु शुद्ध है तो आपके लिए यह जो है प्रेम प्यार के लिए रिश्ता बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन अगर कुंडली में ग्रहों के खराब चलने के अगर चल रहे हैं तो आपको प्रेम प्यार में इस महीने में धोखा भी मिलने का योग भी बना हुआ है। भाग्य आपके लिए अगर देखें तो हर समय साथ तो देगा, लेकिन भाग्य के अलावा आपको पिता के साथ में भी अपने जो है रिश्ता अच्छा रखना पड़ेगा। पिता से आपको अच्छा सहयोग रहेगा और भाग्य जो है आपके आगे जो आय के रास्ते हैं, उन्नति के रास्ते हैं, वह भी खोलेगा। हालांकि शुरू के दिनों में थोड़ा सा समय जो है आपके लिए खर्चीला हो सकता है, जहां खर्च करने की आपकी इच्छा भी नहीं होगी, खर्च करना आपके लिए ज़रूरी भी नहीं होगा, ऐसी जगह में भी आपको महीने के शुरू में खर्च करना पड़ सकता है। इस पूरे महीने में आप अगर जीवन को व्यवस्थित करके चलेंगे तो आपको बहुत उपलब्धियां भी हासिल हो जाएगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। इस राशि की महिलाओं के लिए तो ये पूरा महीना सफलता और खुशियों से भरा रहेगा।
और महीने का जो अंत है आपके लिए या आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा, लाभदायक और शुभ रहेगा। मैं उपाय बता देता हूँ वृषभ राशि के लिए कि अगर आप इस महीने में नियमित किसी भी देव देवता की या देवी माताओं की प्रतिमा पर पीले रंग के फूल चढ़ाएं तो, और पीले रंग के फूल के साथ में पीले चंदन से भी आप उनकी पूजा करेंगे तो इसका अच्छा फल आपको मिलेगा। वैसे तो आप देखें तो लक्ष्मी माता के नियमित जाप अगर करते रहेंगे तब भी इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लक्ष्मी माता का जो चमत्कारी मंत्र है बहुत अच्छा मंत्र है, मैं हमेशा अपने वीडियो में यही मंत्र बताया करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र है, इसका जाप करें तो इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, यह इस वीडियो की तीसरी और आखिरी राशि है मिथुन राशि। 1 मई को सुबह सूर्योदय के समय में चौथे सुख और माता स्थान में बुध की कन्या राशि में केतु, 8वें मृत्यु स्थान में शनि की मकर राशि में चंद्रमा, 9वें भाग्य स्थान में कुंभ राशि में शनि खुद बैठे हैं और 10वें कर्म स्थान में गुरु की मीन राशि में मंगल राहु और बुध की युति है। 11वें लाभ स्थान में जो है गुरु सूर्य और शुक्र की युति है। यहाँ पर गुरु जो है 1 मई को दोपहर 1:01 पर आपके 12वें खर्च भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। 14 मई को सूर्य जो है शाम को 5:54 पर वृषभ राशि में आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे और गुरु के साथ में युति भी करेंगे। बुध ग्रह 10 मई की शाम को 6:44 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यह आपके लिए लाभ स्थान है। शुक्र जो है 19 मई को सुबह 8:43 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यह आपके लिए 12वां घर है। इस प्रकार की ग्रहों की अगर स्थिति को देखें तो यह महीना आपके लिए मिले जुले फल देने वाला रहेगा। हालांकि ग्रहों की जैसी स्थिति है उसके अनुसार अब आपके जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन होने की संभावना बनी है। कैरियर में जो आप तरक्की चाहते थे अब मिलने के योग हैं। नौकरी करने वाले भी जो है उनके लिए भी आराम का समय या आराम से काम करने का समय या सरलता अपने चारों तरफ उनको मिलने वाली है। विशेषकर गुरु की जो 5वीं दृष्टि है आपके 4थे सुख और माता स्थान पर और 7वीं दृष्टि जो है आपके 6ठे रोग रण शत्रु स्थान पर और 9वीं दृष्टि जो है आपके मृत्यु स्थान पर 8वें मृत्यु स्थान पर रहेगी, आपके लिए 14 मई के बाद इस महीने में अच्छा और शुभ फल आपको जो है मिलेगा। व्यापार में आपको अब लाभ मिलेगा, व्यवसाय में आपके तेजी आएगी, जीवन में सुख सुविधाओं के लिए आपको जो है थोड़ा ज़बरदस्त मेहनत इस महीने में करनी पड़ेगी। हो सकता है इस महीने में कुछ बिल आदि आपके पेंडिंग रह जाए या फिर आपको उन बिल को भरने के लिए जोड़ तोड़ करने पड़ जाए। परिवार से आपको कम सहयोग मिलेगा, अपने लोग से आपको धोखा मिल सकता है, वसीयत आदि के मामले उलझ सकते हैं। इस समय लाभ स्थान में शुक्र का अच्छा फल मिलेगा, अचानक से धन मिलने के योग बनेंगे और सूर्य के गोचर से बड़े लोगों में अपनी विश्वसनीयता बढ़ने में आप सफल हो जाएंगे। जो बड़े लोग हैं उन लोगों का विश्वास अब आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। गुरु की जो दृष्टि है अष्टम स्थान में होने के कारण इस महीने के अंदर गुरु से संबंधित जैसे पेट में अपच है, पेट में गैस है या पेट से संबंधित कोई बीमारी से आपको परेशानी हो सकती है, कब्जात आदि रह सकती है, पेट में दुख सकता है, कानूनी मुद्दों से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। संतान का सुख बिल्कुल साधारण या मध्यम रहेगा। शिक्षा में मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, भाग्य साथ भी बहुत ज़्यादा जो है नहीं दे रहा है। पिता और माता के साथ में आपको संबंध सुधारने पड़ेंगे, अपनी बात स्पष्ट कहते रहें, भले ही कोई नाराज हो तो होता रहे लेकिन आप अपनी बात जो है बिल्कुल हमेशा स्पष्ट कहें। किसी के डर से किसी के दबाव में आकर के कोई निर्णय ना करें, जो भी निर्णय करना है आपको अपने बुद्धि विवेक से करना है तो उसका फल अच्छा मिलेगा। नया काम करने का मौका तो मिलेगा लेकिन आपकी जो दुविधा है
मन के अंदर वह बनी रहेगी। जीवन साथी का साथ हर कदम पर आपको इस महीने में मिलेगा। जीवन साथी आपके सुख में दुख में बहुत ज़्यादा साथ देंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ में अपने आप को बहुत खुश महसूस करेंगे। इस महीने में यात्रा करने का मौका भी आपको मिलेगा। राजनीति और खेल में आपको संघर्ष के बाद में सफलता मिलेगी। आपके लिए 12 मार्च के बाद ही इस महीने में कुछ अच्छा होने वाला है। इस महीने में आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है। नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा उल्टी बात करते हैं और आपकी जो है पॉजिटिव जो सोच होती है उसमें भी वो कमी कर देते हैं। तो आपको नेगेटिव लोगों से और जो आपकी मजबूरी का लाभ उठाने वाले लोग हैं या ऐसा सोचते हैं कि ये मजबूर आदमी है मिथुन राशि वाले जातक, इनका हम लाभ उठा लेवे, समय का लाभ ले लेवे, तो ऐसे लोगों से आपको इस महीने में दूर रहना पड़ेगा। वरना ऐसे लोग आपको मुसीबत में फंसाकर खुद अलग हो जाएंगे। महीने का जो अंत है शांति और संतोष के साथ में ठीक ठाक बीत जाएगा। मैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप इस पूरे महीने में बुध के मंत्र का जाप करें। बुध का मंत्र जो है ओम बुम बुद्धाय नमः, यह मंत्र है। इसके अलावा आप चाहें तो गणपति जी के भी मंत्र कर सकते हैं या कोई भी बुध से संबंधित मंत्र करें। इसके अलावा आप हरे भरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पानी सींचे। अगर कहीं बाग बगीचा लगाया हुआ है तो वहाँ भी आप पानी सींच सकते हैं, या छोटे छोटे जो गमलों के अंदर में पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको भी आप पानी से सींचेंगे तो आपके जो इस महीने में कुछ संकट का समय रहेगा उसमें आपको लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी। यह था आज के पहले भाग में मई महीने का राशिफल। इसमें मैंने पहली जो 3 राशियां हैं मेष वृषभ मिथुन राशि के बारे में राशिफल बताया है। कल दूसरी 3 राशियां कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल बताऊंगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे मेष वृषभ मिथुन राशि के लोगों को शेयर करें। फिर नीचे कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तब भी आप कमेंट करें, अगर अच्छा नहीं लगा है नेगेटिव पॉइंट कमेंट करना है तब भी आप नेगेटिव कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरे को भी मेरे वीडियो के बारे में पता लग जाए कि आप लोग क्या पसंद करते हैं क्या नहीं। मैं कल आपको जो है दूसरा भाग बताऊंगा, उसमें कर्क सिंह कन्या राशि के बारे में बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।